सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हुए हैं। अगर कोरोना जैसे संकट की स्थिति में प्रदेश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथों में होती तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की क्या स्थिति होती। कांग्रेस पार्टी पर यह तीखा जुबानी हमला सीएम जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए किया। इसमें सरकार ऐसी पार्टी की होती तो क्या स्थिति होती, इसलिए हमको इस बात को समझना चाहिए। 3.5 वर्ष का सरकार का हमारा कार्यकाल, आज कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है न हम पर आना हमारी पार्टी के नेताओं पर छोड़ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बताओ तो सही। लेकिन आज 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ, लेकिन एक बात कह नहीं सकते हैं, कहने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग उनको सुनते नहीं हैं। लोग उसको सुनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो लोग उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में एक स्वच्छ सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, और उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भी एक स्वच्छ प्रशासन के साथ हम सरकार को आगे बढ़ा करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अंतर है, मुझे जिस अंतर को समझना चाहिए हमारे कांग्रेस के मित्रों। जब विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए कहा चर्चा करनी चाहिए, बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आपको कोविड पर काम रोको प्रस्ताव लाया, कहा कि काम रोकिए सब कुछ, सबसे पहले कोविड पर चर्चा करने, और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार, इतिहास में पहली बार हमने कहा कि आपका प्रस्ताव हमको मंजूर है, आप कोविड पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा हुई तो बात हुई नजर। एंस्ट्रा न्यूज के लिए कुठेड़ा बोलने पाए।